सप्ताह का पहला दिन यानी सोमवार भगवान भोलेनाथ को समर्पित दिन बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ के निमित्त पूजा पाठ करने और उनके निमित्त कपड़े पहने आदि से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार को चंद्रवार भी कहा जाता है। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए इस दिन उनके नियमित वस्त्रों को धारण करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। कहते हैं कि सप्ताह की शुरुआत सोमवार के दिन से होती है। सोमवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। यदि सप्ताह का पहला दिन अच्छा हो तो बाकी सभी दिन भी अच्छे होते हैं। सोमवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहने और सफेद वस्तुओं को धारण करने से लाभ होता है। साथ ही इस दिन दान करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित दिन होता है। इस दिन को चंद्रावर भी कहते हैं। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा सफेद और शीतल होता है, इसलिए व्यक्ति को सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, साथ ही सफेद वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए। श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि सोमवार के दिन नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और उसके बाद सफेद रंग के फूलों को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और उन्हें धन धान्य भूमि भवन आदि सभी की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं को दान करने का भी महत्व है। इस दिन व्यक्तियों को दूध, दही, चावल, नारियल, चांदी आदि सफेद वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित दिन होता है। यदि आपके नवग्रहों में कोई ग्रह भी ग्रह ठीक नहीं है तो सोमवार के दिन नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने और दान आदि करने से किसी भी ग्रह की दशा का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता है।